हेलो एवरीवन, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 58वां दिन और आज के दिन हम करने वाले हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होती है पहले समझ लो, कभी तो कंप्यूटर खोल के बैठ जाओ कि नेटवर्किंग उसे ही कहते हैं। भैया, नेटवर्किंग का मतलब है कि एक ही सेंटेंस को अलग अलग टेंसेज और मॉडल्स पे बनाना। इससे हमारी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो रिविजन है वो भी हो जाएगा। अब हम एक ही सेंटेंस को 20 अलग अलग तरीकों से बना के देखेंगे। सही है, मजा आएगा भाई साहब, तुम्हें भी रिवीजन हो जाएगा, पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब ये नेटवर्किंग फेटवर्किंग करने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए, ताकि रोजाना वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन हम करते हैं एक ही सेंटेंस की नेटवर्किंग, यानी उसको हम 20 से भी ज्यादा अलग अलग तरीकों से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखेंगे। और हमारा सेंटेंस है, वह कार चलाता है। इसी को हम अलग अलग टेंसेस और मॉडल्स पर बनाकर देखेंगे। पहला, वह कार चलाता है, लास्ट में ता है ती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंग्लिश होगी ही ड्राइव्स अ कार। यहां पे ड्राइव में एस लगाना पड़ा क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में ही शी नेमिट यानी सिंगुलर पर्सन के साथ एस आई एस आता है। वह कार चला रहा है रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ही इज ड्राइविंग अ कार, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एमआर लगता है। वह कार चला चुका है चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज ड्राइवन अ कार, यहां पे ड्राइव की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ी क्योंकि परफेक्ट टेंस है। वह सुबह से कार चला रहा है, यहां पर रहा है प्लस टाइम यानी सुबह से आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ही हैज बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग, यहां पर सिंस या फोर लगाना पड़ता है कच्चे और पक्के समय के लिए। उसने कार चलाई, पास्ट की बात हो रही है, ई की आवाज आ रही है। ही ड्रॉव अ कार, यहां पर ड्राइव की सेकेंड फॉर्म लगानी पड़ी क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म लगती है। वह कार चला रहा था रही थी, रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वाज वर वाला। ही वाज ड्राइविंग अ कार, ही शी नेम इट के साथ वाज लगता है, प्लूरल के साथ वर लगता है। वह कार चला चुका था चुकी थी, चुके थे, हैड वाला है ये, यानी कि पास्ट का परफेक्ट। ही हैड ड्राइवन अ कार, यहां पर ड्राइव की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ी क्योंकि परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म लगती है। वह 2 घंटे से कार चला रहा था रही थी भी आ रहा है और 2 घंटे यानी टाइम भी आ रहा है, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 2 आवर्स, 4 इसलिए लगा क्योंकि कच्चे समय के लिए 2 आवर्स के लिए 4 लगाते हैं, 2 o'clock होता तो सिंस लगाते हैं। वह कार चलाएगा, लास्ट में आ रहा है गा गी गे, यानी यह है फ्यूचर का इंडेफिनिट, ही विल ड्राइव अ कार, तो यहां पे विल के साथ फर्स्ट फॉर्म मैंने लगा दी। वह कार चला रहा होगा रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, विल बी शैल बी का इस्तेमाल करेंगे। ही विल बी ड्राइविंग अ कार, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। वह कार चला चुका होगा चुकी होंगी, चुके होंगे, ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। He will have driven a car. यहाँ पे will have के साथ verb की third form लगती है, इसलिए ये भी बन गया। वह सोमवार से कार चला रहा होगा, तो यहाँ पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस सोमवार यानी कि टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। He will have been driving a car since Monday. सोमवार एक पक्का समय था, इसलिए since का इस्तेमाल किया। वह कार चलाने लगा, लगी, लगे, ये begin to वाला है। He began to drive a car. याद रखेंगे, लगा, लगी, लगे begin to में बनेगा। वह कार चलाया करता था, करती थी, करते थे, ये past का है, used to वाला है, पुरानी यादें ताजा करते हैं। He used to drive a car. वह कार चलाने वाला है, वाली है, वाले हैं, is about to, am about to, are about to. He is about to drive a car. वह कार चलाने वाला था, वाली थी, वाले थे, was about to, were about to. He was about to drive a car. वह कार चलाने वाला होगा, वाली होंगी, वाले होंगे, यानी ये फ्यूचर वाला है, will be about to, shall be about to का। He will be about to drive a car. उसे कार चलानी है, ना है, नी है, ने है, has to, have to में जाता है। He has to drive a car, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है। उसे कार चलानी होगी, यहां पर ना होगा, नी होगी, ने होंगे आ रहा है, यानी ये will have to, shall have to वाला है। He will have to drive a car. उसे कार चलाने की जरूरत है, जरूरत है के लिए need to का इस्तेमाल करते हैं। He needs
टू ड्राइव अ कार, यहाँ पे नीड्स में एस लगाना पड़ा क्योंकि सिंगुलर के साथ अफर्मेटिव में नीड में एस लगता है। उसे कार चलाने की जरूरत थी, जरूरत थी यानी ये पास्ट का हो गया, नीडेड हो जाएगा, ही नीडेड टू ड्राइव अ कार। उसे कार चलानी चाहिए, ये चाहिए वाला है, शुड वाला, ही शुड ड्राइव अ कार, यहां पे चाहिए के लिए शुड हो गया। उसे कार जरूर चलानी चाहिए, यहां पे जरूर भी आ रहा है, चाहिए भी आ रहा है, दोनों है, तो यहां पे होगा ही मस्ट ड्राइव अ कार, यहां पे मस्ट इसलिए लगाया क्योंकि जरूर चाहिए। वह कार चलाता रहता है, ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, ये कीप ऑन वाला है, तो बनेगा ही कीप्स ऑन ड्राइव अ कार, कीप में ऐसे लगाना पड़ता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो। वह कार चलाता रहा, ता रहा, ती रही, ते रहे, ये पास्ट का हो गया, कैप्ट ऑन वाला है, ही कैप्ट ऑन ड्राइविंग अ कार। वह कार चलाना चाहता है, चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, वांट टू है वाला है, ही वॉन्ट्स टू ड्राइव अ कार, जब भी वॉन्ट में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस लगाएंगे। वह कार चलाना चाहता था, ही वॉन्टेड टू ड्राइव अ कार, यहां पे वॉन्टेड लगाया क्योंकि चाहता था, चाहता था, चाहती थी, चाहते थे के लिए वॉन्टेड टू। उसे कार चलाने दो, यहां पर लास्ट में आ रहा है दो, जब भी दो आता है तो लगाते हैं लेट, लेट हिम ड्राइव अ कार। तो गाइज देखा हमने एक ही सेंटेंस को कितने अलग अलग तरीके से बनाया, हालांकि अभी बहुत सारे बाकी हैं लेकिन मैंने सारे इसलिए नहीं बनाए, कुछ आपके लिए भी छोड़ देने चाहिए। आज आपका यू वर्क यही है कि आप इसी सेंटेंस को, वह कार चलाता है को इसमें अलग से कुछ ऐड नहीं करना है, बस वह और कार ये दो वर्ड होने चाहिए। इसके अलावा आप बदल के और अलग तरीके से अगर आप बनाना जानते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। मैंने बनाया वह कार चलाता है, रहा है, चुका है, चुका होगा, अब आप वो वाले यूज मत कीजिएगा जो मैंने ऑलरेडी यूज कर लिए हैं, कुछ नए तरीके से अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो उसका यूज मुझे करके दिखाइएगा। ये थी आज की वीडियो एक छोटी सी नेटवर्किंग के ऊपर, आई एम श्योर कि इस नेटवर्किंग से आपकी बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। ऐसे ही नेटवर्किंग आप सारे नेगेटिव सेंटेंसेस पर, इंटरोगेटिव या डबल इंटरोगेटिव पर भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और जल्दी ही आपके लिए एक सरप्राइज है वो भी आने वाला है, तब तक के लिए कीप वॉचिंग और एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।